Good. कुछ काम नहीं लेना पड़ता है। शाम को कुसर गांव में एक नाबालिका की लाश मिली थी, जिसको 25 में ये जो दो अभियुक्त अभी पकड़ाए हैं वो कुसर गांव से बाइक पर बिठाकर ले गए थे और बाद में मर्डर कर दिया। उसमें हमारी एक SIT गठित हुई थी, जिसमें हमारे DSP एलनाबाद, हमारे CIA सिरसा इंचार्ज प्रदीप और कई अन्य लोग थे, जिनकी इसमें काफ़ी कड़ी मेहनत रही। हमारे साइबर इंचार्ज ने जो भी डंप हो सकता है, कॉल डेटा हो सकता है, उसका बहुत ही मेहनत से उसका एनालिसिस किया, सारी इन्फॉर्मेशन हमारी जो SIT है उसको दी। और इसके अलावा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, यानी कि हमारे जो पुलिस के मुलाजिम भी हैं और साथ में जो गांव के लोग हैं, उनका भी इसमें काफ़ी सपोर्ट रहा। उन्होंने हमें इंटेलिजेंस के इनपुट दिए, जिस बेसिस पर हम इन दो अभियुक्त तक पहुँच पाए। तो अभी इनका जो दो लोगों का इसमें पता चला है, इनका इसमें इन्वॉल्वमेंट, बाकी हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है और फॉरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है। तो जैसे जैसे वो आएगी और जैसे जैसे अनुसंधान बढ़ता जाएगा, तो आगे इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन आती है उसमें। विनोद का इनके घर कोई गलत नज़र से आने जाने का कोई बात आई सामने? हाँ, अभी देखिए ये भी कंफर्म कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ लगा है आइडिया इसमें। सर, विनोद ये वही लड़का है जिसको पहले ही दिन पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के बाद उसको एक बार भी छोड़ दिया था। हाँ, पूछताछ इस पर चल रही थी, पर हमारा पहले ये था कि जिसको भी घर वालों को जिस पर शक है उससे पूछताछ की जाए। और 25 को जब ये वाकया हुआ था तो हमने जैसा उन्होंने बताया उन लोगों से पूछताछ की, साथ में जहाँ भी रेड की वो थी हमने रेड भी की थी, फतेहाबाद और अन्य जगह पे जहाँ जहाँ घर वालों ने बताया। लेकिन बाद में मैंने वही बताया कि जैसे हमको पता चला मोबाइल लोकेशन से, जो गाँव से इंटेलिजेंस इनपुट आए, तो फिर हमको ज़्यादा शक हुआ कि ये जो है विनोद का इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। दुष्कर्म की बात में कितना सच्चाई है दुष्कर्म को लेकर? वो देखिए, अभी जैसे जो फॉरेंसिक की रिपोर्ट आएगी, जो पोस्टमार्टम हुआ है, जो विसरा गया हुआ है, उसके बाद ही उसमें हम कुछ क्लियरली बोल पाएंगे। जो आरोपी पकड़े गए उन्होंने कोई बात स्वीकार की है, मर्डर किया था या मर्डर से पहले दुष्कर्म किया था, हाथ बंधे हुए थे? उन्होंने अभी दुष्कर्म की बात स्वीकार नहीं की है, पर मर्डर की उन्होंने स्वीकार कर ली। मोटिव मर्डर क्या था सर? मर्डर का मोटिव क्या था? मोटिव मैंने वही बताया कि ये उनके घर आता था पिछले 4 साल से, जिसमें कई बार जो ये थी जो नाबालिगा थी वो इस पर ऑब्जेक्शन भी करती थी और टोकती भी थी, तो ये कारण था। और इन्होंने एक चुन्नी उससे गला दबाना इसका मोड ऑफ मर्डर बताया है। ठीक है सर, तो इन्होंने कहाँ पे दबाया ले जाके इसका गला, कोई प्लेस ऐसे सामने है जगह कोई? ये कुसर जाते हैं तो रोड से साइड में जो रास्ता जाता है वहीं खेत है, वहाँ इन्होंने गला दबाया और फिर जहाँ पे जो है डेड बॉडी मिली थी वहाँ इन्होंने उसको ले जाके डाल दिया। ये खेत विनोद या किसी सुरेंद्र का, किसी का जी? हाँ, ये अभी तक जो पता चला है विनोद का है। सर, बच्ची की माँ के साथ विनोद के अवैध संबंधों की बात भी सामने आ रही है, क्योंकि वो उसको रोकने से मना कर रही थी, या कोई भी घर से आएगा तो क्यों कोई रोकेगा? ये देखिए, ये जब अभी जब इन्वेस्टिगेशन होगा तभी इस विषय में हम कुछ बोल पाएंगे। पहले सर, जैसे सात आदमी मामले थे, वो किस और ये जेल में भी रह के आया 2018 में छूटा है। हाँ, ज्यादातर सिरसा के हैं। सर, तो SFO के खिलाफ जो कार्रवाई की बात कर रहे थे ग्रामीण की, उन्होंने लापरवाही की है, तो उसमें सर जांच वगैरह की है, कितना उस बात में सच्चाई है? वो भी हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि अगर लापरवाही हुई है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।